जिनेन्द्र वंदे तो सव सिद्धे धुवमलमणोवम गदिम पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए गाथा नंबर 315 देखते हैं। बंध और मोक्ष की कथा चल रही है कि कर्म से मोक्ष कैसे होगा, इन कर्मों से पीछा कैसे छूटेगा, इसकी बात चल रही है। आइए देखते हैं। बंधाणम च सहावम बियाणिदुम अपणो सहावम च बंधे सुजोण रज्जदि शोकम विमोक्षणम कुणदि बोलिए। आप सब भी जो हमारे सुनने वाले हैं हमारे साथ बोला करें, प्राकृत हैं तभी तो आपका अभ्यास पड़ेगा। बोलिए हमारे साथ। बंधाणं च सहावं वियाणिदुम अपणो सहावं च बंधेषु जोणरज्जदि शोकं विमोक्षणं कुणदि। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। बंधाणं बंधों के, सहावं स्वभाव को, वियाणिदुम जानकर, और अपनो आत्मा के, सहावं स्वभाव को जानकर। बंध का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, दोनों को जान लिया। अब क्या करना है, बंधेषु बंधों के प्रति, बंधों में जूणरज्जदि जो राग नहीं करता है अर्थात विरक्त रहता है, बंधों में इंटरेस्ट नहीं लेता, सोकम विमोक्षणम कुणदि, वह कम विमोक्षणम कर्मों से मुक्ति को कुणदि करता है, प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं देखो आप, बहुत अच्छी तरह समझने वाला है। बंध के कारण क्या है, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः, ये है मिथ्यात्व के कारण। अब इन मिथ्यात्व के कारणों में हम इंटरेस्ट लेंगे, हम इन कार्यों को करेंगे, कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी, बंध और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं बंध के स्वभाव को जानकर। बंध क्या है, मिथ्यात्व अवृत्ति कषाय प्रमाद योग रूप परिणाम, इनको जाना। अब इसमें जो राग नहीं करे अर्थात जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, जो इन कार्यों को अपने से दूर करे, वह कर्मों को दूर करता है, विमोक्षणम कर्मों से मुक्त होता है। एक बार फिर देखिए, आइए। बंधों के सहावम स्वभाव को बियाणिदुम जानकर, अपनो सहावम और आत्मा के स्वभाव को जानकर, दोनों बातें जान ली। आत्मा का स्वभाव कैसा है, सिद्धों जैसा। आत्मा के स्वभाव में नहीं बंध कुछ नहीं, कर्म बंध का कुछ नहीं, अन्य द्रव्य का अंश मात्र भी नहीं है, तो वो भी जान लिया और बंध के स्वभाव को जान लिया। ये बंध क्या है, ये तो कारवण वर्गणाओं ने कर्म रूप परिणमन किया और ये मेरी आत्मा के साथ चिपक गए हैं, गलती तो मेरी ही है, ऐसा जानकर। अब क्या करना, बंधेषु बंधों के प्रति, बंधों में जोण रज्जदि जो राग नहीं करता अर्थात बंधों से विरक्त रहता है, सो मन वह कम विमोक्षणम कुणदि कर्मों से मुक्त होता है। सीधी सी बात है, बंध के कारणों से दूर हुए और मोक्ष की प्राप्ति हुई।
मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषाय योग, इससे विरक्ति जोड़ा रज्जदि, जो इनसे विरक्त रहता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। सीधी सी बात है, बंध के मार्ग को छोड़ना ही मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कौन प्राप्त करते हैं? 14वें गुणस्थान के बाद में सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। अरहंत परमेश जी को अभी मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि बंध का कारण अभी योग है, और योग के कारण कर्म परमाणु आत्मा के साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं, अभी मोक्ष नहीं हो पा रहा। तो बंध जब तक है तब तक मोक्ष नहीं, मोक्ष में बंध का कोई काम नहीं। भावार्थ देखिए, बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो पुरुष विरक्त होता है, उनसे दूर होता है, वही कर्मों को काटता है। पद्यानुवाद पे दृष्टि दीजिए। शुद्धात्म का परम निर्मल धर्म क्या है, क्या बंद लक्षण विलक्षण कर्म क्या है, यो जान मान मतिमान प्रमाण द्वारा, छोड़े कुबंद गहते शिव धाम द्वारा। शुद्धात्म का धर्म क्या है, बंध का लक्षण क्या है, इसको प्रमाण द्वारा जो बुद्धिमान जानकर कुबंध को छोड़ते हैं और गहते क्या है आत्मा के स्वभाव को, शिव धाम द्वारा, द्वारा माने मार्ग रास्ता, द्वार माने दरवाजा, वे मोक्ष धाम के दरवाजे को प्राप्त कर लेते हैं। यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं। आइए गाथा नंबर 316 देखते हैं। जीवो बंधो यतहा, जीवो बंधो यतहा, छिजन्ति सलक्षणे हिणियये, छिजन्ति सलक्षणे हिणियये, पर्णाच्छेदन एण दो, पर्णाच्छेदन एण दो, छिन्नाणत्तमा बोलिए। जीवो बंधो यतः छिजन्ति सलक्षणे हिणियये, पर्णाच्छेदन एण दो, छिन्नाणत्तमा वर्णा। आइए अर्थ पर दृष्टि डालें। जीवो जीव, तहा बंधो तथा बंध, छिजन्ति पृथक किए जाते हैं। कैसे? सलक्षणे अपने अपने लक्षणों के द्वारा, निर्णय ही निय माने अपने अपने सलक्षणों के जो निश्चित लक्षण हैं उनके द्वारा, फिर पढ़ना माने प्रज्ञा रूपी छेदन एण दु, छुरी के द्वारा, छेनी के द्वारा छीनना, उनको पृथक किया जाता है। तब क्या होता है? नानत्तम आवरणा, नानापने को प्राप्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर देखें एक बार, बहुत अच्छी बात बताई। क्या बताई? जीव का लक्षण जान लो, बंध का लक्षण जान लो, आत्मा में प्रज्ञा रूपी ज्ञान रूपी छेनी से उन दोनों को अलग अलग कर दो। मेरी आत्मा वर्तमान में मिली जुली है, आत्मा और कर्मों से बंधी है, एक में एक क्षेत्रावगाह रूप है। अब मैंने समझ लिया, इसमें ये तो कर्म है और ये आत्मा है, कर्म पुद्गल है, आत्मा चेतना में मेरी आत्मा, मैं स्वयं हूँ, मेरे में ये कर्म चुपके हुए हैं, ये कर्म मेरे लक्षण नहीं,
चेतना बंद का लक्षण नहीं। किससे बात हुई है? प्रज्ञा रूपी जो मैंने शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त किया उस छुरी के द्वारा मैंने इनको अलग अलग कर दिया। फिर एक बार देखते हैं, जीवो बंधो यतहा जीव तथा बंध छिद्यंती पृथक किए जाते हैं, ये ही सलक्षणे ही अपने अपने निश्चित लक्षणों के द्वारा। द्रव्य बंध पौद्गलिक, भाव बंध अशुद्ध आत्मा का परिणाम, मेरा स्वरूप सिद्धों जैसा शुद्ध, ये अलग मैं अलग। यद्यपि भाव बंध राग द्वेष परिणाम आत्मा में हुए हैं फिर भी मेरे स्वभाव नहीं, कर्म बंध के कारण हुए हैं इसलिए मुझसे भिन्न हैं। क्यों? इनका लक्षण ही भिन्न है। कैसे छेदे जाएंगे? प्रज्ञा रूपी छुरी के द्वारा। देखिए जरा, पर्णा छेदन एणदु, प्रज्ञा रूपी छुरी छेनी के द्वारा इनको छेदने से क्या होगा? पृथक हुए, अलग अलग हो जाएंगे। ये भाव कर्म और ये द्रव्य कर्म, ये आत्मा के मेरे स्वभाव नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा मात्र हूँ। अब ये अलग अलग हो गए। जब मैंने जान लिया अब मैं इस रूप परिणमन क्यों करूँ? बस मैंने उस रूप परिणमन करना छोड़ा और मेरी आत्मा शुद्ध हुई। भावार्थ देखें, जीव तथा बंध ये दोनों अपने अपने निश्चित लक्षणों के द्वारा पृथक किए जाते हैं। प्रज्ञा रूपी छुरी के द्वारा छेदे हुए माने पृथक किए हुए ये नाना रूपी अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान के द्वारा इनको पृथक करना संभव है। हम ज्ञान पहले जाने तदनुसार आचरण करें, ये दोनों पृथक हो जाएंगे। पंडित जी, क्या शुद्धोपयोग में बंध नहीं होता? अगर किसी की ऐसी मान्यता है तो मान्यता आगम के अनुसार नहीं। पहले देखें, बंध कहाँ तक होता है? जहाँ तक बंध के कारण हैं। शुद्धोपयोग के गुणस्थान आचार्यों ने अगर माने 7 से 12, तो 7वें गुणस्थान में तो कषाय है और योग दोनों हैं, बंध क्यों नहीं होगा? आत्मा अगर परम समाधि में डूबी हुई है तो भी कषाय रूप परिणमन और योगों का परिणमन तो है कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। शुद्धोपयोग में 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक बंध बराबर है। 7वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक तो 6 या 7 कर्मों का है, और उसके ऊपर चलें मान लो 11, 12, 13 केवली भगवान, इनमें किसका बंध है? साताभेदिनी का बंध है। शुद्ध उपयोग से ऊपर उठे जो केवली भगवान है उनके भी बंध है। तो बंध कहाँ तक? जहाँ तक बंध के कारण वहाँ तक बंध, अथवा 13वें गुणस्थान तक भी धवलाकार जी ने चारों बंध माने हैं। ऐसी मान्यता बनानी चाहिए। ये नहीं शुद्ध उपयोग में होता है तो बंद होता ही नहीं, ये तो कहीं भी नहीं लिखा। हम ये बात तो मानेंगे कि शुद्ध उपयोग के काल में जो बंद होता है उसका स्थिति अनुभाग बहुत कम है, लेकिन बंद चारों हैं, ये कैसे कह देंगे शुद्ध उपयोग से बंद नहीं? सीधी बात, जहाँ तक बंद के कारण हैं वहाँ तक बंद है। योग के कारण 13वें गुणस्थान तक बंद है, 14वें गुणस्थान में जब चारों पांचों कारण हट गए, योग भी नहीं है, अयोग केवली हो गए, तो आश्रव बंद भी नहीं होता है। पंडित जी, ज्ञान रूपी छेनी से क्या तात्पर्य है? सम्यक ज्ञान रूपी, भेद विज्ञान रूपी छेनी। छेनी का मतलब ये अलग है ये अलग है, ऐसा ज्ञान होना ज्ञान रूपी छेनी है। ये भेद विज्ञान रूपी छेनी है, ये पुद्गल है, मैं जीव हूँ, मेरा एक भी अंश इनमें नहीं, इनका एक भी अंश मुझ में नहीं, ये सर्वथा अलग, मैं सर्वथा अलग। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तब फिर वह जीव सोचता है, अब मैं इन बंध के कारणों में क्यों पड़ूँ?
ये मेरे स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, मेरा स्वभाव तो आत्मरमण है, मेरा स्वभाव तो वितराग स्वसंवेदन है, इसलिए मैं इसी में लीन होता हूँ। और जब उसमें लीन होते हैं तब बंध के कारणों का अभाव होने से मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष का कारण है निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और इनके गुणस्थान हैं सात से ऊपर के। सातवें गुणस्थान से पहले न निश्चय सम्यक दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, इसलिए बंध के दरवाजे और भी खुले हुए हैं। पद्यानुवाद देखें। ये जीव बंध अपने अपने गुणों से है भिन्न मोह वैसे एक हुए युगों से है भिन्न भिन्न कहती इनको सुपेनी तो एकमात्र वर बोधमयी सुछेनी। दूसरी पंक्ति में लिखा है मोह बस एक हुए युगों से। युगों का मतलब अनादिकाल से। ये हैं तो दो पर एक कब से है, अनादिकाल से है। चौथी पंक्ति में लिखा है बोधमयी सुछेनी। बोध माने सम्यक ज्ञान रूपी छेनी, उसके द्वारा इनको भिन्न भिन्न किया जाता है। ये छेनी बड़ी पैनी है, इसके अलावा कोई साधन नहीं जो इनको अलग अलग कर दे। जय जिनेन्द्र।